बेटा करण राहुल। पिताजी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम दोनों भाई हैं ना, आपका अच्छे से ध्यान रखेंगे। डॉक्टर को फोन कर दिया है, वो आने ही वाले हैं, आपको कुछ नहीं होने देंगे पापा जी। हाँ पिताजी, आप हमें इस तरीके से अकेला छोड़कर नहीं जा सकते, माँ तो हमें छोड़कर पहले ही जा चुकी है, अब आप ही चले जाएंगे तो हमारा ध्यान कौन रखेगा। देखो बेटा, एक न एक दिन तो सबको भगवान के घर जाना ही है, अब मेरा समय आ गया है, तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने वकील से कह के तुम दोनों में आधी आधी प्रॉपर्टी पहले से ही कर दी है, बांट दी है बेटा। लड़ाई झगड़ा कभी मत करना तुम दोनों भाई, मिलकर साथ में रहना, हमेशा अच्छे और बुरे समय में एक दूसरे का साथ देना। अपने अपने ही होते हैं बेटा, किसी भी दूसरे के कहने से कभी आपस में बैर मत करना। हाँ पापा, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। छोटू ठीक कह रहा पापा, हम आपकी बात का हमेशा ध्यान रखेंगे। हे राम। पिताजी पिताजी पिताजी, आप भी हमें अकेला छोड़ के चले गए। पिताजी रो मत छोटे, होनी को कोई नहीं टाल सकता, अब हमें एक दूसरे का सहारा बन के रहना है। हाँ भैया। क्या जुगाड़ लगाया जाए, छोटे से पैसे तो ऐंठने ही हैं, और ये पूरे आधे के आधे पैसे लेके बैठा है। अरे छोटे कहीं जा रहा था? नहीं तो भाई, बोलिए कुछ काम था? हाँ छोटे, थोड़ी टेंशन हो रही थी, सोचा एक बार तुझसे बात कर लेता हूँ। क्या हुआ भाई? वो छोटे देख, तेरे पास तो पापा का जमा जमाया बिजनेस मिला है तुझे, लेकिन मुझे तो बिजनेस जमाना है ना, और मुझे थोड़ा ना पैसों की जरूरत है, कम पड़ रहे हैं पैसे, तो मैं सोच रहा था कुछ पैसे दे देता तो मुझे। हाँ भैया कोई प्रॉब्लम नहीं है पैसे देने में, पर पैसे हैं नहीं मेरे पास। आप सही कह रहे हैं कि पापा का जमा जमाया बिजनेस मुझे दिए हैं पापा ने, लेकिन भैया उसमें पापा ने बहुत सारा लोन ले रखा है, और जो भी इनकम प्रॉफिट होती है वो सारा का सारा उसी में चला जाता है। अच्छा छोटे, तेरे पास एक गाय है ना जो पापा तुझे दे के गए हैं, और हमारी गाय तो कितनी अच्छी है, दूध भी बहुत देती है, और वैसे भी तू लंबे समय तक गाय को तो रखने वाला नहीं है, तो क्यों ना तू वो गाय मुझे दे दे, मैं बेच दूँ उसे, और जो पैसे आए मैं उससे बिजनेस में लगा लूँ। हाँ भैया ठीक है, आप ले लीजिए गाय, वैसे भी मैं उसकी सेवा कर नहीं पाता हूँ, आपके ही काम आ जाएगी। ठीक है छोटे, बहुत बहुत धन्यवाद तेरा। भैया इसमें धन्यवाद की क्या बात है, आप मेरे बड़े भाई हैं, कोई दूसरे थोड़ी ना है, तू सच में बहुत भोला है। यस ये हुई ना बात। अरे छोटे तू आज पापा के बिस्तर पे क्यों बैठा है, क्या हुआ? कुछ नहीं भैया, बस पापा की थोड़ी ज्यादा ही याद आ रही थी इसलिए आके बैठ गया। अच्छा सुन, मुझे थोड़े पैसों की जरूरत थी, मेरा लैपटॉप खराब हो गया, उसे रिपेयरिंग करवाना है, तो 5-6 हज़ार ही रुपए चाहिए, ज्यादा नहीं। हाँ भैया इतने पैसे तो हैं मेरे पास, मैं देता हूँ आपको। तू सच में बहुत अच्छा है छोटे। क्या भैया, आखिर मैं आपका छोटा भाई हूँ, मैं ही अपने भाई के काम नहीं आऊंगा तो कौन काम आएगा? अच्छा सुन, एक बात और करनी थी तुझसे। अब देख कोई बड़ा तो है नहीं हमारे घर में जो हमारी शादी की बातें करेगा, तो हमें शादी का फैसला खुद ही करना पड़ेगा, इसलिए मैंने अपने लिए एक लड़की देख रखी है शादी करने के लिए। तूने क्या सोचा है शादी के बारे में? हाँ भैया मैंने भी एक लड़की देख रखी है शादी के लिए। तो ठीक है फिर, हम दोनों एक साथ शादी कर लेते हैं, खर्चा भी बच जाएगा और सब मेहमानों को भी बार बार नहीं बुलाना पड़ेगा। हाँ भैया बिल्कुल ठीक है, आप जैसा बोले। ठीक है फिर मैं पंडित जी से बोल के शादी की डेट निकलवा लेता हूँ। जी भैया। सुनिए जी, मैं तो कह रही थी हमें अपना हिस्सा बंटवारा करके अलग हो जाना चाहिए, मुझे तो नहीं रहना आपके छोटे भाई भाभी के साथ, आखिर हमें भी तो अपना भविष्य सुधारना है। ठीक है, तो तू चिंता क्यों करती है, हमको कौन से माँ बाप से पूछना है, मैं कल ही बात करता हूँ छोटे से और हम अपना हिस्सा बंटवारा कर लेते हैं। और हाँ जी, मैंने सारे लिस्ट बना दिए कि हमें हिस्से बंटवारे में क्या-क्या चाहिए, पहले ही बात कर लेना अपने भाई से, बाद में नाटक ना करें। हाँ तू चिंता मत कर, वो सब मैं देख लूंगा, मेरा भाई बहुत अच्छा है, मना नहीं करेगा,
हमारे जैसे शातिर दिमाग थोड़ी ना है जो सिर्फ पैसे इड़ते रहते हैं। वो तो है। ते प्रिया प्रिया, आज मैं बहुत खुश हूँ। क्या हुआ जी ऐसा? मैंने एक बहुत बड़ी कंपनी के मालिक के साथ डील साइन करी है और जिससे ना हमारा बिजनेस दिन दुगना रात चौगुनी तरक्की करेगा, देख लेना। वाह जी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। बस उसमें एक कमी है। क्या? वो ये है कि जिसके साथ डील साइन करी है ना, उसने एक फिक्स डेट दी है, उस डेट को हमें उनको हर महीने पेमेंट करना पड़ेगा और अगर हम उस पेमेंट में लेट हो गए एक भी दिन तो उसके लिए हमें बहुत सारी पेनल्टी देनी पड़ेगी। क्या पेनल्टी? जी मुझे तो ये डील कुछ गड़बड़ लग रही है, कहीं हम फंस गए तो? अरे नहीं फंसेंगे, तू चिंता मत कर, उसके लिए हमारे पास जो पैसे है ना उसका बैकअप प्लान मैंने पहले से ही बना के रखा है, तू बिल्कुल चिंता मत कर। अच्छा तो ये बात है। अरे सुमन, मैं छोटे के घर से आ रहा हूँ, मैंने सुना छोटे ने एक बहुत बड़ी डील साइन की है, बस उसको उस क्लाइंट को टाइम पे पैसे देने हैं, अगर पैसे नहीं देगा टाइम पे तो उसको बहुत बड़ा जुर्माना देना पड़ेगा, कहीं वो हमसे आगे ना निकल जाए इस डील की वजह से। तो रोको ना, किस चीज के बड़े भाई हो, अब तो तुमको उसकी कमजोरी का भी पता लग गया है। क्या मतलब, कैसे रोको? अरे अगर वो टाइम पे पैसे नहीं देगा तो वो तो जुर्माना भरते भरते बर्बाद ही हो जाएगा ना, बस किसी चोर को पकड़ो और उससे चोरी करवा दो, बदले में हमारा भी कुछ भला हो जाएगा और चोर का तो भला हो गया इसे। अरे वाह सुमन रानी, तेरे खुरा पति दिमाग में तो क्या कमाल का आइडिया आया है। हे भगवान, अब क्या होगा हमारा, हम तो बर्बाद हो गए, लूट गए सब सामान, चोरी ले गए, एक भी रुपया नहीं बचा घर में, अब उस बिजनेस वाले को जुर्माना कैसे भर पाएंगे। हाँ प्रिया, ये कैसे हो गया, अभी चोरी होनी थी क्या हमारे घर में, अब हम क्या करेंगे। एक काम करता हूँ, ये गिरवी रखकर उसके पैसे चुका देता हूँ, फिर देखेंगे क्या करना है। हाँ जी आप सही कह रहे हैं, भगवान कोई ना कोई रास्ता तो जरूर दिखाएगा, आप चिंता मत कीजिए, यदि हमारी किस्मत में गरीबी ही लिखी है, सड़क पे रहना ही लिखा है, तो कोई कैसे बदल सकता है, बस आप हिम्मत मत हारिएगा। देखिए जी, रोने से उदास होने से तो कुछ भी नहीं होगा, मैं तो कहती हूँ ये घर गिरवी रख के आप उसका कर्जा चुका ही रहे, जो थोड़े बहुत पैसे बचे उसमें से कोई नया बिजनेस स्टार्ट कीजिए, जिसमें पैसे भी कम लगे और जल्दी ग्रोथ भी हो जाए। ऐसा बिजनेस क्या करूँ, तुम ही बताओ। मैं तो कहती हूँ जी, सब्जियों और फ्रूट्स का बिजनेस शुरू कर दो, जिसमें लागत भी कम है और मुनाफा भी ज्यादा है, भगवान ने चाहा तो सब कुछ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। हाँ प्रिया तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मैं कल सुबह ही मंडी जाकर सारी चीजें पता करके आता हूँ। आज की पार्टी मेरी तरफ से, आज की पार्टी मेरी तरफ से। अरे तू इतना खुश क्यों हो रही है? तुम्हारे भाई की बर्बादी में आखिर आज उसका घर भी गिरवी हो ही गया। चलो ये तो बहुत अच्छा हुआ, पापा को बहुत भरोसा था अपने छोटे बेटे पे, तभी तो बिजनेस पे ले डूबा और घर भी। खैर छोड़ो, मैं आता हूँ बाजार से थोड़ी सब्जियाँ लेकर। ठीक है जी, इसी खुशी में मैं अच्छा सा खाना बनाती हूँ, पार्टी करेंगे दोनों। अरे भैया आप यहाँ? हाँ छोटे, मैं तो सब्जियाँ फ्रूट्स लेने निकला था, पर तू यहाँ क्या कर रहा है? भैया आपको तो पता ही है ना, कुछ दिन पहले मेरा बिजनेस बंद हो गया था, मुझे घर तक गिरवी रखना पड़ा, इसीलिए मैंने ये सब्जी फ्रूट्स का काम स्टार्ट किया है और आपके आशीर्वाद से काम बहुत अच्छा चल रहा है, ये पूरी बड़ी मार्केट अपनी ही है भैया। क्या इतना जल्दी तूने इतनी तरक्की कर ली? बस भैया आप लोगों का ही आशीर्वाद है, भैया आप घर के लिए सब्जियां फ्रूट्स कुछ लेके जाइएगा। अरे नहीं नहीं छोटे, मुझे कुछ और काम भी है मार्केट में। ठीक है भैया, मैं शाम को घर आऊंगा तो मैं ही ले आऊंगा, कोई बात नहीं। सुमन कहाँ हो, पानी लाओ यार, एक गिलास थक गया हूँ। लाती हूँ जी, पर आप इतने गुस्से में क्यों हो? अरे गुस्सा नहीं करूँ तो और क्या करूँ, तू जिसके बर्बाद होने की खुशी में अच्छा खाना बना रही थी, पार्टी कर रही थी ना, उसको तू देख जाके मार्केट में फ्रूट्स और सब्जियों का कितना बड़ा बिजनेस कर लिया है उसने। अरे पूरी गली बराबर एक लंबी दुकान अकेली है उसकी। क्या
इतना जल्दी इतना सब कुछ। अब क्या करें, उसको बर्बाद करने का तू ही कुछ आइडिया बता, नहीं तो मेरा खून जल जाएगा। मैं उसको अपने से ज्यादा अमीर होते हुए नहीं देख सकता। अरे जी, आप चिंता क्यों करते हो, मैं हूँ ना। अपने भाई से कह के उसके दुकान में 1000-2000 चूहे डलवा देती हूँ, उसके बाद देखना उसकी दुकान रातों रात गायब। अरे वाह सुमन रानी, तेरे दिमाग में क्या कमाल का आइडिया आता है। इससे तो वो रातों रात सड़क पे आ जाएगा और मेरे कलेजे को ठंडक मिलेगी। वाह भैया भाभी, कितना अच्छा सोचते हैं आप मेरे बारे में। अरे छोटे तू। हाँ भैया, सारी बातें सुन ली मैंने आपकी और भाभी की। भैया मैंने तो सोचा था कि आप मेरे पिता समान हो, मुझसे बड़े हो, और आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हो। मैंने तो हर कदम पे आपका साथ दिया, जब भी आपको पैसों की जरूरत हुई कभी मना नहीं किया मैंने आपको, लेकिन आप भैया आप भूल गए पिताजी ने जाते समय हमें क्या कहा था कि एक दूसरे के सही और बुरे वक्त में साथ देना। लेकिन यहाँ तो मेरा अपना खुद का बड़ा भाई मेरा बुरा वक्त लाने के लिए आतुर बैठा है। क्यों भैया, आखिर मैंने क्या बिगाड़ा है आप लोगों का, क्या गलत किया है मैंने आप लोगों के साथ जो आप दोनों मुझसे इतनी नफरत करते हैं। पैसों का क्या है भैया, पैसे तो आते जाते रहते हैं, लेकिन पैसों के लिए आपने अपना रिश्ता ही तोड़ दिया ऐसी सोच रख के। आपने तो पिताजी की आखिरी बात का भी मान नहीं रखा, उनकी आत्मा को कितनी तकलीफ पहुंचती होगी ये सब देखकर। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों पैसों का क्या है, पैसे तो आते जाते रहते हैं, लेकिन रिश्ते जिंदगी में बहुत अनमोल होते हैं। हमेशा अपनी जिंदगी में पहले रिश्तों को अहमियत दीजिए। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप सभी को राम राम। अपना और अपने घर परिवार का ध्यान रखें।